फतेहाबाद पुलिस द्वारा स्कूली छात्राओं को दुर्गा शक्ति तथा अपने प्रति जागरूक करने के लिए चलाया विशेष अभियान। फतेहाबाद महिला थाना प्रभारी और DSP ने सरकारी स्कूल, बस स्टैंड तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में छात्राओं को जागरूक किया। वहीं छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई। पलवल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आज फतेहाबाद पुलिस द्वारा छात्राओं को दुर्गा शक्ति ऐप के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में दुर्गा शक्ति ऐप तथा बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में विशेष जानकारी प्रार्थना सभा में जाकर के दी गई। पुलिस द्वारा जहां पर छात्राओं को दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है, वहीं बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनमें अपराध बढ़ रहे हैं या उनके प्रति जो आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं उनके प्रति जागरूक किया, जिसके लिए उन्होंने गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए DSP दलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा ज़्यादातर यह जागरूकता कार्यक्रम स्कूली छात्राओं में किया जा रहा है ताकि दुर्गा शक्ति ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके और मंचलों द्वारा लड़कियों को परेशान करने के मामले में कमी लाई जा सके। वहीं एक और उन्होंने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी तथा ताकि आपराधिक मामलों में कमी लाई जा सके। ये कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर किया गया। आप देख रहे हैं पल-पल की विशेष रिपोर्ट। आपकी पुलिस विभाग की तरफ से ये दुर्गा शक्ति की तरफ जो एक ऐप है हमारा, उसको बच्चों को भी कैसे इसको लोड किया जाता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है और इसके अलावा जो ट्रैफिक सेंस है और जो गुड टच है, बैड टच है और जो सेल्फ पॉलिसी के बारे में बच्चों को बताया गया था कि हमें ऐसा करना है, एक गुड बिहेवियर, गुड करेक्टर के बारे में। तो ये पूरे ज़िले में अभियान चलाया हुआ सर? हाँ, पूरे ज़िले में ये कार्य कर रहे हैं। तो आपकी महिला शक्ति टीम भी कर रही है? हाँ, महिला शक्ति टीम हमारी जो इंस्पेक्टर कविता जी है और सारा जो ये दुर्गा शक्ति की टीम इसमें लगी हुई है।